तस्वीरें तो बहुत लोग बनाते हैं, कुछ जानवर की बनाता है, कोई अताउल्लाह सखलवी की बना रहा है, कोई किसी चीज़ का बना रहा है। This idea of using truck art as a creative tool for amplifying messages related to women and children in Pakistan came to my mind because a truck moves from one part of Pakistan to another, taking a message like a moving billboard from one remote region to another. मैं इधर से गुजर रहा था तो ये भाई काम कर रहे थे, ट्रकों के ऊपर तस्वीरें वगैरह बना रहे थे, मगर जब मैंने इनका काम देखा तो ये कोई ना मुख्तलिफ काम था। ये तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ था कि बच्चों की बात गौर से सुनो, और वाकई उन बच्चों की बात गौर से सुननी चाहिए। हम उसको ना दरगुजर कर देते हैं या उसकी तवज्जो नहीं देते हैं, मगर ये छोटे मासूम बच्चे होते हैं, इनकी बात में कोई वजन होता है, ये हमें बताना चाहते हैं मगर हम उनकी बात सुन नहीं सकते। बच्चियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, इन बच्चियों का पूरा पूरा हक है, जितना बच्चे का हक है इतने ही बच्ची का हक है कि इन बच्चियों को भी जायदाद में हिस्सा देना चाहिए। ये हमारे लोग बच्चियों को छोड़ देते हैं, बच्चों की फोटो से चीज करते हैं, ना ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इधर अड्डे पे आया था माल उठाने के, इधर ये लोग इधर तस्वीर बनाया था, मैं इधर तस्वीर और इसका तस्वीर का पैगाम मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए अपना गाड़ी पे बनवाया। जितनी बच्चे की तलीम ज़रूरी है इतनी बच्चियों की तलीम ज़रूरी है। अगर बच्चियों में शऊर आएगा तो हर घर में शऊर होगा। ये बच्ची ये बड़ी होती है, माँ बनती है, बहन बनती है, और पूरे घर में ये शऊर पैदा करती हैं। छोटी बच्चियों की कम से उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, कम से कम उनको सूझबूझ होनी चाहिए। ये जो हमारे पास सेब है इसमें कम इल्मी की वजह से थोड़ा शऊर कम है, और ये लोग देखने से काफ़ी हद तक लोग समझ रहे हैं कि जो कोई तस्वीर देखता है वो पढ़ा हुआ नहीं होता, वो किसी को कहता है कि यार ये पढ़ के सुना के बच्ची के साथ क्या लिखा हुआ है, बच्चे के साथ क्या लिखा हुआ है, काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ बेहतर भी हो रहे हैं। The trucks travel from one part of Pakistan, taking these very important messages of girls demanding their right to education, their right to inheritance, and their right to life and protection. These messages of happy, strong girls travel from one part of Pakistan to another.